हे व्हाट्स अप कंज्यूमर्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, दिस इज प्रशांत, आप देख रहे हो देसी कंज्यूमर। आज इस वीडियो में हम एक ईयरफोन केस की, बेसिकली मल्टीपर्पज ट्रैवलिंग केस की अनरैपिंग और एक डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। मैंने इसे अमेजोन से 213 रुपए का खरीदा है। अभी जो इसका प्राइस चल रहा है 189 रुपीज का आपको अमेजोन पर मिल जाएगा। चलिए सीधा चलते हैं प्रोडक्ट पर। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें इसकी पैकिंग की, तो कुछ इस तरीके की पैकिंग देखने को मिल जाती है। अमेजोन का जो पैकेज था वो जो हमेशा होता है, लेकिन मेन जो पैकिंग है इसकी तरीके की दी गई है, ट्रांसपेरेंट कलर का जो है पॉली बैग है, पॉलीथिन है। हमें कोई बॉक्स वगैरह नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ये कोई हार्ड प्रोडक्ट नहीं है, टूट फूट वाला प्रोडक्ट नहीं है। तो ठीक है, पैकेट में दिया गया है, प्रोटेक्टेड है, कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। तो यहां पर अब बात करें पैकेट के ऊपर, हमें कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग और एमआरपी। एमआरपी इसकी 499 है, लेकिन ये आपको अमेजोन पर 220 रुपए या फिर 30 रुपए से ऊपर नहीं मिलेगा। तो यहां पर बिना टाइम वेस्ट किए करते इसे अनरैप और देख लेते हैं कैसा इसका मटेरियल है, क्या क्वालिटी है और क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो कर लिया इसे अनरैप। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट इंप्रेशन की मैं बात करूं तो राउंड शेप में बर्गर शेप डिजाइन दी गई है, कॉम्पैक्ट सा डिजाइन दिया गया, शाइनिंग लुक है जो कि काफी बढ़िया है। जो जिप दी गई है वो नियॉन कलर में और पूरा का पूरा ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है, पूरी शाइनिंग लुक दी गई है। ऊपर की तरफ सेंटर में हमें गिज़गा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, ब्रांड का नाम है गिज़गा। यहां पर अगर मैं बात करूं इसके मटेरियल की, तो फाइबर कार्बन इसका मटेरियल है जो कि काफी बढ़िया है, जो टूटता फूटता नहीं है, चाहे इसे मोड़िए चाहे जैसे मर्जी करिए, कोई इसमें टूट फूट नहीं होती ना क्रैक होता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। और काफी ज्यादा लाइट वेट होता है ये मटेरियल, जो कि इसकी खास बात है, फाइबर कार्बन की, फाइबर कार्बन का मटेरियल देखने को मिल जाता है। यहां पर अब बात करें इसकी जिप की, जिप भी काफी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं, रबराइज ग्रिप दी गई है जिप के ऊपर, जो मटेरियल यूज किया गया जो कि काफी बढ़िया मटेरियल है। जिप की दोनों तरफ हमें गिज़गा ब्रांडिंग देखने को मिल जाते हैं, जो कि नियॉन कलर में है, जो कि काफी बढ़िया लुक दे रही है। यहां पर अब बात करें जो जिप है पूरी की पूरी नियॉन कलर में है। यहां पर स्टिचिंग की बात करें काफी बढ़िया की गई है, यहां पर आप देख सकते हैं काफी स्मूथली क्लोज और ओपन हो रही है, मुझे कोई भी कमी नहीं लगी जिप में। तो जिप काफी बढ़िया है, लेकिन इस जिपर का जो नीचे वाला मटेरियल है जो मेटल वाला है, ये अगर आप इस पे हल्का सा ज्यादा जोर लगाएंगे तो ये टूट सकता है, तो ये मुझे थोड़ा सा हल्का लग रहा है, बाकी काफी स्मूथ है जिप। तो यहां पर पीछे की तरफ हमें एक स्ट्रैप देखने को मिल जाता है जिसके अंदर हुक लगेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लगता है। तो यहां पर बात करें स्ट्रैप की स्टिचिंग की, तो स्टिचिंग यहां पर मुझे थोड़ी सी हल्की लग रही है, वीक लग रही है, थोड़ा सा इस पे फोर्स लगाकर खींचेंगे तो हो सकता है ये निकल जाए, तो यहां पर मुझे थोड़ी सी कमी लग रही है, तो बाकी ओवरऑल ठीक है। तो यहां पर अंदर की तरफ सबसे पहले हमें एक हुक देखने को मिल जाता है, तो यहां पर मैं आपको लगाकर दिखा देता हूं कैसे ये लगता है स्ट्रैप के अंदर। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से स्ट्रैप में लग जाएगा, तो आप इसे कहीं पर भी हुक कर सकते हैं, बैग पर या फिर किसी भी जगह पर जहां पर इसे हुक करना चाहते हैं, लटकाना चाहते हैं, तो काफी बढ़िया है। हुक की मैं बात करूं, इसका मटेरियल काफी बढ़िया है, मेटल का मटेरियल है, ब्लैक कलर का पेंट किया गया है। एग्जैक्ट मटेरियल कौन सा है मेटल में वो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर पेंट किया गया है, लेकिन काफी बढ़िया मटेरियल है, जल्दी नहीं टूटेगा। तो यहां पर आप देख लेते हैं अंदर की तरफ हमें कैसा डिजाइन देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करें, हमें अंदर की तरफ एक सेपरेट स्लॉट दिया गया है जो कि नेट का बना है, काफी मजबूत है नेट इसका, जल्दी नहीं उधड़ेगा या फटेगा, जो कि काफी बढ़िया बात है। यहां पर ऊपर की तरफ हमें इलास्टिक देखने को मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया है, ज्यादा इलास्टिक तो नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, थोड़ा सा लूज इलास्टिक दिया गया है, काफी जो है एकदम बढ़िया इलास्टिक नहीं लगा मुझे यहां पर, आप देख सकते हैं, लेकिन काम चल जाएगा अच्छे तरीके से, इसके अंदर जो भी आप कैरी करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं आ जाएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं इसकी स्टिचिंग की, जो पूरा नेट है काफी बढ़िया स्टिच किया गया है, जल्दी नहीं उधड़ेगा, यहां से नहीं निकलेगा, अलग नहीं होगा, जो कि काफी बढ़िया बात है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं अंदर के डिजाइन की, काफी प्लेन डिजाइन दिया गया, कोई डिजाइन नहीं देखने को मिलता, काफी सिंपल है और काफी बढ़िया है। थिकनेस की मैं बात करूं तो इतना थिकनेस हमें देखने को मिल जाते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं दो वायर मैं आपको ज्वाइन करके दिखा रहा हूं, इतनी थिकनेस दी गई है जो कि काफी मोटी है, काफी बढ़िया है। तो यहां पर अंदर की तरफ भी काफी बढ़िया मटेरियल यूज किया गया है, कोई कमी नहीं लगी। तो यहां पर अब मैं आपको दिखा देता हूं हम इसके अंदर कितना सामान डाल सकते हैं एक बार में, आप कितना इसमें कैरी कर सकते हैं, क्या क्या इसमें आप रख सकते हैं एक बार में, तो मैं आपको अलग अलग चीज डाल के दिखाने वाला हूं। तो यहां पर मैं इसके ऊपर पानी भी डालकर दिखाऊंगा, लेकिन ये वाटर प्रूफ तो नहीं है, कार्बन फाइबर जो है वाटर प्रूफ नहीं होता, वाटर रेजिस्टेंट हो सकता है हल्का फुल्का एक लिमिट तक, लेकिन उसके बाद जो इसके अंदर पानी एंटर कर जाएगा तो वाटर प्रूफ तो नहीं है। तो यहां पर मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें इसके अंदर डालकर दिखा देता हूं, तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने तीन टाइप के चार्जर सामने रख लिए हैं, एक वॉच भी रख ली है, ईयरफोन रख ली है और एक जो है चार्जिंग केबल। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहले हम चेक कर लेते हैं जो डैश चार्जर है वन प्लस का, सबसे बड़ा चार्जर होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूं कि इसके अंदर प्रॉपर तरीके से इसकी जो चार्जिंग केबल है और ये दोनों चीजें आती है या नहीं। तो यहां पर जो है चार्जर डाल दिया और साथ में आप देख लेते हैं इसकी चार्जिंग केबल, इसमें एग्जैक्ट तरीके से प्रॉपर तरीके से आती है या नहीं। तो यहां पर आप देख सकते हैं वन प्लस का चार्जर और जो है चार्जिंग केबल एक साथ नहीं आ रही है, तो यहां पर स्पेस काफी कम है। तो अगर आपके पास वन प्लस का चार्जर या फिर चार्जिंग केबल है, फोन है बेसिकली, तो उसकी एक्सेसरीज प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी। तो यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर अगर आप वन प्लस की चार्जिंग केबल और साथ में जो है अगर आप ईयरफोन डाल देते हैं और साथ में एक पेन ड्राइव डाल देते हैं, तो काफी इजिली ये चीजें आ जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कोई इसमें दिक्कत नहीं है, काफी स्मूथली जो है बंद हो गए यहां पर आप देख सकते हैं। तो यहां पर वन प्लस का चार्जर इसके साथ नहीं आया, तो इतना स्पेस है आप जैसा कि देख सकते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर
आपके पास एप्पल का फोन है तो उतने साइज का ये चार्जर है, रेडमी फोन का ये चार्जर है जैसा कि आप देख सकते हैं काफी स्मॉल साइज का है, तो ये चार्जर है। साथ में वन प्लस की केबल डाल देता हूँ और साथ में ईयरफोन मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्मॉल साइज का चार्जर है और चार्जिंग केबल है वन प्लस की और ईयरफोन है, काफी प्रॉपर तरीके से इसके अंदर आ गई है और जिप बंद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो काफी अच्छे तरीके से आ गई है। तो यहाँ पर जो अगर आपके पास स्मॉल चार्जर है और जो है चार्जिंग केबल है और ईयरफोन है और साथ में पेन ड्राइव, इतना आप इसमें कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर बड़ा चार्जर है तो मेरे पास एक मीडियम साइज का भी चार्जर है, ये चार्जर है, साथ में मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें जो है जो चार्जिंग केबल है वो भी मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और साथ में हम ईयरफोन भी डाल लेते हैं, तो देखते हैं ये पूरा प्रॉपर इसके अंदर आता है या नहीं। तो यहाँ पर जो है आ जाएगा, थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक आपको इसमें डालना होगा प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें मीडियम साइज का चार्जर डाला है और साथ में वन प्लस की केबल डाली है और इसमें ईयरफोन डाली है, प्रॉपर तरीके से इसमें आ गई है, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से पैक हो गया है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे मोटे साइज की बड़े साइज की मैंने एक वॉच ली हुई है, ये मैं दिखा देता हूँ क्या इसके अंदर ये वॉच आती है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉच मैंने इसके अंदर डाल दी है और साथ में मैं इसकी ईयरफोन भी डाल देता हूँ, क्या ये प्रॉपर तरीके से आते हैं दोनों चीज़ें या नहीं, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वॉच है वो भी आ गई है, लेकिन ऊपर से पूरा ये मोटा हो चुका है, बहुत टाइट हो चुका है, तो आ सकता है थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके, लेकिन इतना भी टाइट मत करो कि इसकी जिप टूट जाए, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अगर आपके पास मीडियम चार्जर है, चार्जिंग केबल है उसकी, साथ में ईयरफोन है और पेन ड्राइव है, इजीली इसमें आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, काफी प्रॉपर तरीके से पैक हो जाएगा जो कि काफी बढ़िया बात है। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको एक ही केस में सारी चीजें मिल जाएंगी, तो वहां पर प्रॉब्लम की बात नहीं है। कई बार क्या होता है कहीं चीजें आप कहीं रख देते हो, चार्जर कहीं होता है, वायर कहीं होती है, एयरफोन कहीं होती है, तो वो दिक्कत नहीं होगी इसके थ्रू, तो जो कि काफी बढ़िया बात है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसका वाटर रेजिस्टेंट टेस्ट देख लेते हैं, क्या इसके अंदर वाटर जाता है या नहीं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो चला जाएगा लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर वाटर की एंट्री तो हो गई है, तो मतलब ये वाटर प्रूफ नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइडों पे जो है गीला गीला आपको दिख रहा होगा, ब्लैक, डार्क ब्लैक हो चुका है, तो ये देख सकते हैं आप वाटर रेजिस्टेंट है कुछ हद तक, अगर आपकी इसके अंदर एसेसरीज वगैरह पड़ी है, थोड़ा बहुत वाटर इसके लग जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खराब नहीं होंगी, पानी इसके अंदर अच्छे तरीके से नहीं जाएगा, बाकी अगर इसको पानी के अंदर डुबोते हैं तो इसके अंदर पानी चला जाएगा और अंदर की चीजें खराब हो जाएंगी। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको ये ईयरफोन केस लेना चाहिए या नहीं। तो अगर मैं बात करूं उसके मटेरियल की, मटेरियल काफी बढ़िया, मुझे कोई भी कमी नहीं लगी, चाहे वो फाइबर कार्बन का मटेरियल हो या फिर जो इसकी जिप है काफी स्मूथ वर्क करती है, मुझे कोई भी कमी नहीं लगी। बस मुझे जो कमी लगी पीछे जो इसका स्ट्रैप दिया गया है जिसके ऊपर हुक लगता है, उस स्ट्रैप की थोड़ी सी स्टिचिंग मुझे थोड़ी सी हल्की लगी, बाकी ओवरऑल बिल्कुल भी कमी नहीं है, काफी बढ़िया डिजाइन है, कॉम्पैक्ट सा डिजाइन है। बाकी आपने स्पेस देख लिया, एक्सेसरीज वगैरह मैंने आपको डालकर दिखा दी, कितना स्पेस है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और पता भी चल गया होगा, तो काफी बढ़िया है। तो ओवरऑल मैं बात करूं आप इसे जरूर ले सकते हैं, ये दो में आता है, एक नियॉन कलर और एक ब्लू कलर, दोनों के बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर ले सकते हैं। तो करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियोस मिलेंगी, अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यूज, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय।